अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग। तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, 22 या फिर 25%, ये पूछ रहे हैं काफ़ी सारे मुलाजमीन। और कुछ पेंशनर्स का ये भी रोना है कि 15 या फिर 22% हमें बताया तो जाए कि आखिर पेंशन बड़ी कितनी है। तो इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबों के साथ हाज़िर हो गए हैं। आपको आगाह करेंगे के दोनों वफाकी और सूबाई बजट में ग्रेड 1 से 16 तक 25% इजाफा हुआ है और ग्रेड 17 से लेकर 22 तक 20% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। जी हाँ, इजाफा तो बहुत किया गया है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि वफाक ने बेहद टैक्सेस नाफज कर दिए हैं, बल्कि 100% तक टैक्स नाफज कर दिए हैं। आप सामने ये BBC की खबर का एक तराशा मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि जिसका उनवान ही उन्होंने ये रखा था कि बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं कि अपनी सैलरी कैश में लें या फिर पाकिस्तान ही छोड़ दें। खैर, ऐसे बुरे अभी हालात भी नहीं हैं। ताहम तनख्वाहदार तबके के लिए जो नए मुजवजा स्लैब्स हैं, उनमें पहला स्लैब 6 लाख रुपये सालाना का है और इस पर कोई टैक्स नाफिज नहीं होता। ताहम जो दूसरा स्लैब है, और ज़्यादातर मुलाजमीन जो निचले तबके के हैं इसी में आते हैं, इस पर 100% टैक्स का इजाफा कर दिया गया है। ये 6 लाख से 12 लाख सालाना तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर मुश्तमिल है। अच्छा, मज़े की बल्कि अफसोस की बात यह है कि जूँ स्लैब्स बढ़ रहे हैं, यानी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो उसी तरह ये फ़ीसद कम होती जा रही है। हालांकि इसे ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि निचले तबके पर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, जो कि हमेशा से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। ताहम एक अफसोसनाक अमर ज़रूर है। तीसरा स्लैब जो है वो 12 लाख से 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों के लिए है। याद रहे कि जो पिछला माली साल था, जो अभी जारी है, उसमें 12 से 24 लाख तक का ये स्लैब था। चौथा स्लैब जो है उनकी तनख्वाह 22 लाख से 32 लाख तक होगी, तो वो इस कैटेगरी में लाए करेंगे। इससे पहले ये 24 से 36 लाख हुआ करता था। पांचवा स्लैब 32 से 41 लाख तनख्वाह लेने वालों के लिए है। पुराने स्लैब में ये 36 से 60 लाख था। छठे स्लैब में तनख्वाह 41 लाख से ज़्यादा जिनकी होगी वो इसमें आएंगे। ये रवां माली साल में 60 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए मुख्तस किया गया था। ताहम 100% तक जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि तनख्वाहें मैक्सिमम 25% बढ़ाई गई हैं। और एक ज़्यादा नुकसान की बात ये है कि बेसिक पे पर ज़ाहिर है कि इजाफा लगेगा, लेकिन जो टैक्स है वो ग्रास पे पर काटा जाएगा। यूँ चंद 100 रुपये ही मुलाजमीन को हासिल हो पाएंगे। आप सामने BBC की सर्वे का ही एक सामने नतीजा मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि एक सरकारी मुलाजम ने बताया कि वैसे तो हमारी तनख्वाह में 11,000 रुपये का इजाफा बनता है, लेकिन टैक्स में इजाफा के बाद ये सिर्फ 1500 रह जाएगा। सहाफ़ी भी अपना अपना रोना रो रहे हैं। ताहम आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। क्या ये बजट आप इसमें मुझसे मुतमाइन हैं या बिल्कुल भी मुतमाइन नहीं हैं, और क्या टैक्स और तनख्वाह पेंशन में इजाफा जायज़ है या नहीं।